पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो के कमेंट्स में मुझे प्राप्त हुआ था, कुछ विद्यार्थियों ने मांग की कि चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली के संदर्भ में सर आप बताएं। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि विद्यार्थी सिंसियरिटी के साथ हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली, जिसे हम गुजरात शैली के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार बौद्ध लामा तारानाथ ने भारत में चित्रकला के पश्चिमी तथा पूर्वी दो शैलियों का वर्णन किया। संभवतः उनका तात्पर्य जैन तथा पाल शैलियों से है, अतः इस आधार पर उसने अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास, जो 1608 ईस्वी में लिखी गई थी, में इस नाम को उद्धृत किया, पूर्वी शैली और पश्चिमी शैली नाम को उद्धृत किया, और चित्रकला की पाल शैली को पूर्वी शैली में तथा पश्चिम भारत के गुजरात प्रदेश की कला को पश्चिमी भारतीय शैली या पश्चिमी शैली नामकरण दिया। इसे बाद में जैन शैली या गुजरात शैली भी कहा गया। मुगलों के आक्रमण के पूर्व के दिनों में भारत के गुजरात में अधिकांश व्यापार जो और वाणिज्य जैन संप्रदाय के हाथों में था। जैनों ने यह चिंतन किया कि वे मंदिरों को ध्वस्त कर सकते हैं। मुगल के आक्रमण से हमारे मंदिर ध्वस्त हो सकते हैं, लेकिन हम ग्रंथ को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। इस कारण से जैन उपाश्रयों, मंदिरों और ज्ञान भंडारों में सचित्र ग्रंथों का भेंट करने की परिपाटी में वृद्धि हो गई। मुसलमानों के आक्रमण से जो बौद्ध चित्रकार थे वे पूर्वी प्रदेश में चले आए, और बाकी जो बचे खुचे चित्रकार वहां पर थे उन लोगों ने वहां पे कार्य करना प्रारंभ किया। तो जैन शैली में क्या हुआ कि जैन व्यापारियों के द्वारा जब ये कार्य शैली में काम करने के लिए आदेश निर्गत किए गए, तो अच्छे चित्रकारों के अभाव और चित्रकारों की अधिक मांग हो गई, तथा इस ईरानी और मुस्लिम प्रभाव शैली में आने से चित्रों में गिरावट आ गई, चित्रों की शैलियों में गिरावट आ गई। फिर भी जो चित्रकार देश में मौजूद थे उनको जैन व्यवसायिकों के द्वारा नई प्रेरणा, नया साधन, नया शौक दिलाकर कला के नए रूप का जन्म हुआ। छोटे मध्यकालीन चित्र प्राय जैन ग्रंथों में ही मिलते हैं। मध्यकालीन चित्रकला का अध्ययन करने इसका विशेष सामग्री हमें जैन धर्म के ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध होती है। मध्यकालीन जैन चित्रकला जो अभी तक प्राप्त हुए हैं वे सब श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, क्योंकि इसी संप्रदाय के अनुसार अहंत और तीर्थंकरों के चित्र आभूषण विभूषित होते थे। इसके प्रतिकूल दिगंबर प्रतिमाएं नग्न और सादी होती है। 12वीं शताब्दी के चित्र ताल पत्रों पर लिखित कल्प सूत्र की प्रतियां कलाविद नाना लाल चमन लाल मेहता जी ने पाटन के जैन भंडार में देखी थी, जिन पर पीला, लाल, सफेद और नीला रंग ही अधिकतर प्रयोग किया गया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ईस्वी संवत 1260 में कमल चंद्र के द्वारा लिखित सावक प्रतिकमन चूर्णी, जिसे हम श्रावक प्रतिकमन चूर्णी ग्रंथ भी कहते हैं, खोजा था, तथा 1451 ईस्वी का कपड़े पर लिखा हुआ वसंत विलास की प्रति 1926 ईस्वी में इन्होंने नाना लाल चमन लाल मेहता जी ने खोजा था। इसी वसंत विलास के चित्रों के आधार पर नाना लाल चमन लाल मेहता जी ने इस शैली को गुर्जर शैली या गुजरात शैली या पश्चिमी शैली रखा था। डॉक्टर एनसी मेहता का अनुमान है कि जिस प्रकार सदियों तक जैन प्रतिमा विधान में किसी तरह के परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार उसी परंपरा पर लगातार आरूढ़ रही, और यह चित्र शैली हिंदुस्तान की लोक शैली थी। जो जैन शैली है वो लोक शैली थी, राजाश्रयों में इसका कोई स्थान नहीं था। इवान सुकिन जो रूसी लेखक हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ जो लिखा, उन्होंने ला पेंट्रे इंडियाने अल अपक देश ग्रांड मुगल, अर्थात भारतीय कथाओं में मुगल ग्रैंड मुगल जो एम्पायर हुए उनके चित्रकारों के ऊपर ये पुस्तक है, उसमें इन्होंने बताया कि इन्हीं जैन
चित्रों से 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजस्थान की और पहाड़ी शैलियों की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः इस शैली के नाम के संबंध में अनेक विवाद हैं। इस शैली को जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली तथा ब्रह्म शैली के नाम से पुकारा गया। इस अभ्रम शैली या ग्रामीण शैली या ग्राम्य शैली या जैन शैली के चित्र जो है प्रायः तीन रूप में मिलते हैं। ताल पत्रों पर बने हुए पोथी चित्र, दूसरा कपड़ों पर बने पट चित्र और तीसरा कागज पर बने पोथी चित्र या फुटकर चित्र। फिर भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं जैन शैली और अभ्रम शैली को अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। जैन शैली श्वेतांबर जैन संप्रदाय के चित्रित ग्रंथ जो हैं पाटन, खंभात, अहमदाबाद, जैसलमेर, बीकानेर आदि स्थानों में सुरक्षित हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो 1113 से 1120 के मध्य में जो ग्रंथ रचे गया जिसका नाम है सठ खड़ागम, ये तालपत्र पर बना है। इसमें जैन श्रावकों, मुनियों और चक्रेश्वरी देवी का अंकन है। दिगंबर ग्रंथ में ही 1427 का दिलवाड़ा में नेमिनाथ जैन मंदिर में लिखा गया दूसरी चित्रित ग्रंथ जो है ज्ञानार्णव है। ताड़पत्र पे अंकित कल्प सूत्र तथा कालिकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य तीर्थंकरों के चित्र जैन शैली के प्राचीन उदाहरण है। जैन चित्रकारों की कुशलता और उनकी विशिष्टता का दर्शन तालपत्र पोथियों में मिलता है। चित्रकारों ने नीब के अति सूक्ष्म रेखाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट भावों को दर्शाया है। कल्प सूत्र की एक मूल्यवान प्रति अहमदाबाद में सुरक्षित है। कल्प सूत्र एवं आचरांग सूत्र ग्रंथ में तीर्थंकरों की जीवनी और कथाएं चित्रित हैं। वस्त्र पर लिखित एवं चित्रित वसंत विलास की कृति वाशिंगटन के फ्रेयर आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। मुनि कांति सागर के संग्रह लखनऊ, इलाहाबाद व कलकत्ता आदि के संग्रहालयों में भी जैन वस्त्र चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। 11वीं और 15वीं शताब्दी तक के मध्य पश्चिम भारत में जैन धर्म से हटकर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई जो सामान्य हिंदू धर्म से थे, जैसे बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रति रहस्य और दुर्गा सप्तशती आदि। इसी प्रकार वसंत पिलास और चौर पंचाशिका आदि पोथियों के चित्र भी जैन धर्म से अलग हटके हैं। इस प्रकार यह शैली वैष्णव धर्म के ग्रंथों या जैनेतर विषयों में भी प्रयुक्त हुआ है। पश्चिम भारत के गुजरात व अहमदाबाद के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है अवध, लखनऊ और बंगाल, उड़ीसा, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा आदि स्थानों से भी ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। अतः इन कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोती चंद्र तथा राय कृष्णदास जी ने इस शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त समझा। उनका मत है कि यह शैली पूर्व के दिनों में एक महान शैली या जनता के शैली के विकृत रूप में यह है आज है, इसलिए अपभ्रंश शैली से ही इसका पूरा परिवर्तन कला प्रवृत्तियों में अभिव्यंजना जो है वो दिख सकती है। अब अपभ्रंश शैली की बात करते हैं। अपभ्रंश शैली में पूर्ववर्ती शैलियों की तुलना में पतन और निर्बलता के चिन्ह अधिक हैं। कदाचित यह शैली पूर्ववर्ती कला परंपरा में अति प्रगतिशील होने के कारण पहली दृष्टि में और अजंता शैली से भिन्न लगती है। मारवाड़ तथा गुजरात 9वीं शताब्दी से ही कला के केंद्र बन चुके थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मैरवनी से 60 किलोमीटर दूर मदनपुर में अलाउदल की छोटी कचहरी है। उस कचहरी में 12वीं सदी की अंतिम 30 वर्षों के दौरान बने भित्ति चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। यहाँ पर कचहरी की छत और दक्षिणी छोर की ओर प्रस्तर में की ऊपर वाली रेलिंग या दीवारों पर जो छत के साथ लगे होते हैं उस पे अपभ्रंश शैली के चित्र बने हैं। एक चित्र में कालिकाचार्य को शक वंश के राजा के साथ बातचीत करते हुए, विमर्श करते हुए दिखाया गया है। उसका इस चित्र का संदर्भ यह है कि जैन मुनि कालिकाचार्य की बहन को उज्जैन के राजा ने अपहरण कर लिया था, तो उज्जैन के राजा से अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो शक राजा की सहायता चाहते थे, इसलिए वो शक राजा से बातचीत करने गए थे। तो यही चित्रण वहां पे मिलता है। अपभ्रंश शैली के चित्र
जैन धर्म संबंधी पोथियों के में पन्नों में बीच में दोनों ओर लिखने के लिए स्थान छोड़ करके बीच में चौकोर स्थान में बने हुए मिलते हैं। तालपत्रीय पोथियां जो है तीन प्रकार के जो मैंने बताए हैं चित्र प्राप्त होते हैं तालपत्रों के रूप में कपड़े पर और कागज पर बने हुए। तो तालपत्र पोथियों में कागज के आविष्कार के पहले तालपत्र के पत्तों को एक विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता था। तालपत्र ताड़ वृक्ष के पत्ते होते हैं जिसको चौरस करके एक खास आकार में काट लिया जाता है, जिसके ऊपर जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस पर लिखते थे ग्रंथ और साथ में चित्र वगैरह भी बनाते थे। तो ताड़ के पेड़ के कई प्रकार होते हैं लेकिन एक श्री ताल होती है। श्री ताल जो मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है, मालाबार क्षेत्र में ये श्री ताल जो होता है वो बहुत विशेष प्रकृति का होता है। जैसे बांस भी कई प्रकार के होते हैं, आसाम के बांस में कोमलता ज्यादा होती है, तो ऐसे ही वो श्री ताल की पत्तियों की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, थोड़े चौड़े आकार के होते हैं। भगवती सूत्र ग्रंथ जो है इसी पे बना हुआ है, लगभग सारे तालपत्री ग्रंथ जो है इसी श्री ताल के पत्र पे आप बने हैं। तो तालपत्र ग्रंथ की सबसे पुरानी प्रति 1060 ईस्वी की भगवती सूत्र मानी जाती है जो जैसलमेर के ज्ञान ग्रंथ भंडार में रखी गई है। इसके एक फलक पर कामदेव, श्री लक्ष्मी, पूर्ण घट और उत्तेजित सिंह के चित्र बने हैं। इन चित्रों में ठेठ अपभ्रंश शैली वाली शैली नहीं है क्योंकि यह प्रारंभिक चित्र है। सन 1100 की निशिर्थ चूर्णी इस ग्रंथ में हाथी सवार देवता, स्त्रियां और आभूषण बने हैं। वैसे अपभ्रंश की परली आंखें जैसे उसमें बनती है अपभ्रंश में, वैसे इसमें नहीं है लेकिन बाकी सारे गुण इसमें मिलते हैं। जय सिंह के समय भड़ोच में देव प्रसाद नामक ने व्यक्ति ने इसे लिखा था। वर्तमान में यह प्रति पाटन के संगवीना पाड़ा भंडार में, संगवीना पाड़ा एक लाइब्रेरी है, ग्रंथ भंडार है जैनियों का, उसमें यह सुरक्षित है। 1127 ईस्वी की महावीर चरित्र, इसमें तीर्थंकर महावीर की गाथा के चित्र बने हैं। सन 1100 से 1400 के मध्य जो तालपत्रीय ग्रंथ तथा अन्य पांडुलिपियां मिली है उनमें 1127 ईस्वी की ही अंग सूत्र है, 1214 ईस्वी की नेमिनाथ चरित्र और 1242 का त्रिष्टि शलाखा पुरुष चरित्र, कथा सरित सागर, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कलिकाचार्य कथा, कल्प सूत्र तथा शारदा शतक प्रकरण वृत्ति साह आदि मुख्य हैं। कपड़े पर बने अपभ्रंश शैली के पट चित्र पाटन के संगवीना पाड़ा भंडार में रखी गई पंच तीर्थों का पट मुख्य है, जो एक कपड़े पर जो है जैनियों के पांच तीर्थ रहते हैं, तो एक कपड़े पर पंच तीर्थों का तस्वीर बना हुआ है जो संगवीना पाड़ा ग्रंथागार में ही रखा हुआ है। ये कपड़े पर बने अपभ्रंश शैली के चित्रों में मुख्य स्थान रखता है। इसी प्रकार कपड़े पर ही बसंत विलास की प्रति जो नानालाल चमनलाल मेहता जी को प्राप्त हुई थी उसमें कालिदास के ऋतु संहार पर आधारित वसंत ऋतु का वर्णन है और यह 1451 का बना हुआ है। यह एक अन्य पट चित्र जो है 1433 ईस्वी का, वह भी पाटन से प्राप्त हुआ है। 30 फीट लंबाई और 32 इंच चौड़ा है ये, जिसमें जैन तीर्थों का चित्र है। तालपत्रीय पोथियों पर जो है शीघ्रता से लिपिकार और चित्रकार काम किया करते थे, उनको जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों का एक भय भी होता था, इसलिए तेजी से रिप्रोडक्शन करते थे। तो इस कारण से उनके चित्रों में एक कठोरता है। चेहरे प्रायः सवा चश्म तथा एक ही ढंग के बनाए हुए हैं, जिसकी नाक नुकीली और लंबी, परले गाल से बाहर निकली हुई और ठुड्डी बहुत छोटी चिपटी तथा आंखों के कटाक्ष रेखा दूर तक खींची हुई है। दूसरी आंख चेहरे से बाहर निकली हुई बनाए गए हैं। वहीं पे हाथ बहुत मुड़े हुए बनाए गए हैं, कमर पतली, पेट क्रिस मतलब चिपटा हुआ बनाया जाता था, पैर वगैरह भी बैठने की पोजिशन में मोड़ करके बिल्कुल एक तरफ सामने से मोड़े हुए, एक तरफ लगता है पीछे से पैर किए हुए, लग रहा है कि दौड़ कर कहीं जा रहे हो, ऐसा इस प्रकार का बना हुआ उसमें मिलता है। और इन चित्रों में मैं बताऊं कि आपको पीला और लाल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। स्वर्ण को रंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है जिससे रंग चित्रों में अधिक चमक आ गई है।
कागज का प्रारंभ होने से इस शैली में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। कल्पसूत्र और कलिकाचार्य कथा की अनेक प्रतियां 15वीं और 16वीं सदी में बनाई गई। हिंदी भाषा में भी कामसूत्र आधारित रति रहस्य के अनेक सचित्र प्रतियां बनी। 1465 ईस्वी के कल्पसूत्र में सादे और रंगीन अनेक चित्र बनाए गए हैं। कुछ ग्रंथ भारत कला भवन में सुरक्षित हैं। कल्पसूत्र की एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, दूसरी प्रति सेठ आनंद जी कल्याण जी लोमड़ी के पास और तीसरी प्रति जौनपुर उत्तर प्रदेश की है, जो स्वर्ण अक्षरों से तैयार की गई है। स्वर्ण के अक्षर से लिखे गए हैं, स्वर्ण को रंग के रूप में अक्षर से लिखा गया है ऐसा। और चौथी प्रति जो है कल्पसूत्र की, वो अहमदाबाद के मुनि दया विजय के निजी संग्रह में है। यह अपभ्रंश शैली के उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। इसके हास्य पर राग रागिनी और संगीत तान नृत्य आदि भावों के चित्र हैं। कागज पर लिखे अन्य ग्रंथों में बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती आदि है। तो इस प्रकार आपने पश्चिमी भारतीय शैली के अंतर्गत में जैन शैली और अपभ्रंश शैली को अच्छे से जानो। किन किन चित्रपट पे इसका निर्माण हुआ वो भी आपने तीनों को जाना, तालपत्र, कागज और कपड़े पर, और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, इसके रूपरेखा कैसी रही और संग्रह कहाँ कहाँ है, ये सब भी जाने। तो निश्चित है यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। इसके बाद हम आपको पूर्वी शैली के विषय में बताएंगे, जिसके अंतर्गत पाल स्कूल, पाल कला के अंतर्गत में जो पोथी चित्र बनाए गए, जो ताल पत्रों पे बने, इसके विषय में हम जानकारी देंगे।